भी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी बता देंगे कि सभी साथी 27 अक्टूबर के पटना के अंदर चल के मुख्यमंत्री जी का जो नींद से सोए हैं इनको हमको उठाना है। आपने जो हमारे जितनी संख्या है संख्या के आधार पर हमने हकदारी चाहिए, और नहीं तो 2024 के चुनाव में फिर हम इनको बता देंगे कि दलित समाज अब इनका गुलाम नहीं रह गया। जो यूनिवर्सिटी हो या सरकारी संस्था हो उसमें कितने भागीदारी है आप बताइए, कितने दलितों की भागीदारी है, या भूमि में देखा जाए जो भूमि है उसमें कितने भागीदारी है भाई, हर जगह भागीदारी चाहिए। कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, सरकारी संस्था हो, भूमि हो, या लोकसभा के चुनाव हो या विधानसभा के चुनाव, हर जगह हमें भागीदारी चाहिए। जब तक हमारा भागीदारी नहीं मिलेगा, संख्या के आधार पर नहीं मिलेगा, तो फिर हम लोग चैन से इनको नहीं बैठने देंगे, फिर कुर्सी से उनको उठाकर ऐसा फेंकेंगे तो दूर तक नजर नहीं आएंगे। आजाद समाज पार्टी का आज क्या मुद्दा है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का? सर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का ये मुद्दा है कि नीतीश कुमार जी को हम बता देना चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी सुधर जाइए, और नहीं तो इस बिहार के अंदर लगभग 20% दलित है। आपको आने वाला 2024 के चुनाव में फिर हम बता देंगे कि हम लोग क्या हैं, क्योंकि ये दलित आपका गुलाम नहीं है। धमकी दे रहे हैं क्या नीतीश कुमार? धमकी नहीं दे रहे हैं, आप जिस तरीके से लगातार दलितों के अनदेखी कर रहे हैं इसलिए हम बता देना चाहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी, और 27 अक्टूबर को भी पटना में हम बताएंगे, अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाएंगे कि अब दलित चुप नहीं है, अब अधिकार लेकर रहेंगे, और मुख्यमंत्री जी को चुनाव से पहले उनको देना होगा, और नहीं तो 2024 में जो उनका सपना है फिर उनको सपना से हम चकाचूर कर देंगे। सब चीज अच्छा काम कर रहे हैं, फिर आप लोगों को क्या तकलीफ है? बिल्कुल कहाँ अच्छा काम कर रहे हैं, 10 लाख का जो वादा किया वो दे रहे हैं, तब लोग क्यों तकलीफ? अब कहाँ दे रहे हैं आप बताइए, कि एक भी बताइए कि कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो या सरकारी संस्था हो उसमें कितने भागीदारी है आप बताइए, कितने दलितों की भागीदारी है, या भूमि में देखा जाए जो भूमि है उसमें कितने भागीदारी है भाई, कहाँ दे रहे हैं? बस कहने के लिए है और करने के लिए नहीं है। अच्छा ना आप तो देना चाहिए, आपका कई साल से आपका सरकार है बिहार के अंदर, आपको पता भी होगा कि अब दलित कितना वोट आपको कर रहा है, तो उसके अनुसार तो आपको तो करना चाहिए ना जी। हमें हर चीज में हकदारी चाहिए, बिहार विधानसभा के ही चुनाव उसमें कितने हमारे दलित लोग के लिए हैं, अभी लोकसभा के चुनाव में बताइए सारी पार्टियां का भी आपने ले लिया, लेकिन दलितों को क्यों अनदेखी कर रहे हैं, क्या केवल उनको वोट चाहिए, दलित नेता नहीं चाहिए इसलिए? लेकिन हम बता देना चाहते हैं और सभी को, हमने अवगत भी आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी बता देंगे कि सभी साथी 27 अक्टूबर के पटना के अंदर चल के मुख्यमंत्री जी का जो नींद से सोए हैं इनको हमको उठाना है। आपने जो हमारे जितनी संख्या है संख्या के आधार पर हमने हकदारी चाहिए, और नहीं तो 2024 के चुनाव में फिर हम इनको बता देंगे कि दलित समाज अब इनका गुलाम नहीं रह गया है। नीतीश जी को ये बता रहे हैं आप लोग कि हम लोग भी हैं, हम लोग की भागीदारी चाहिए चुनाव में? बिल्कुल चाहिए, हमें हर जगह हर जगह भागीदारी चाहिए, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, सरकारी संस्था हो, भूमि हो, या लोकसभा के चुनाव हो या विधानसभा के चुनाव, हर जगह हमें भागीदारी चाहिए। जब तक हमारा भागीदारी नहीं मिलेगा, संख्या के आधार पर नहीं मिलेगा, तो फिर हम लोग चैन से इनको नहीं बैठने देंगे, फिर कुर्सी से इनको उठाकर ऐसा फेंकेंगे तो दूर तक नजर नहीं आएंगे। भीम आर्मी के चीफ और आजाद समाज पार्टी के दीप चंद्रशेखर आज रावण पटना आते हैं, नीतीश कुमार से मिलते हैं और हंस कर फोटो खींचा कर पोस्ट करते हैं, और आप लोग उनका विरोध कर रहे हैं। हाँ, आपको ये कन्फर्म कर देना चाहते हैं कि आए थे जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, जो कि कार्यक्रम चल रहा था पटना के अंदर, तो उन्होंने बधाई देने गए कि जो ने उसी समय भाजपा से, जो कि दलित विरोधी सरकार दिनों तो वही है, ये भी दलित विरोधी है, और भाजपा भी दलित विरोधी सरकार है, कांग्रेस भी दलित विरोधी है, तो दलित विरोधी सरकार जो भाजपा है, भाजपा से हटकर जब आकर आरजेडी में शर्ट कर सरकार बनाए, ये उनको बधाई देने आए थे कि कम से कम जो दलित विरोधी सरकार भाजपा है उनसे आपने सतर्क हुए, ये बधाई देने आए थे, ना कि और कुछ करना मकसद था उनका। आपका कहना है कि कांग्रेस भी दलित विरोधी है, फिर उसके बाद बीजेपी भी दलित विरोधी है, और नीतीश भी दलित विरोधी है, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी ही दलितों के हितैषी है? बिल्कुल, आपको देखने को भी मिल रहा है, आप देखिए अब दलितों के ऊपर अन्याय अत्याचार होता है, शोषण होता है, कौन जाता है?
आप बताइए कौन जाता है, इन्हीं की सरकार में होता है, क्यों नहीं नीतीश बाबू सुनवाई करते हैं? कितने मामले पर संज्ञान लिए हैं? चिराग पासवान है, उनकी पार्टी जाती है। अरे उनको तो सब जानता है, बड़े भाई हैं चिराग जी, उनको सब जानते हैं। और उनके जो पिते जी भी थे जो राम विलास पासवान जी भी, उनको भी सब जानते हैं। अगर हम जाति मान अपना ही जाति है और लेकिन आप सरकार में हैं और अपना ही लोगों के ऊपर अन्याय अत्याचार होगा, हम लोग हम चुप मुंह बंद करके बैठे तो इससे जाहिर सी बात होता है, इसे मतलब आपने अपने स्वार्थ के लिए कुर्सी पर बैठे। क्या परिचय होगा सर? मेरा नाम सूर्य सजाद, आजाद समाज पार्टी जिला अध्यक्ष बक्सर।